बाथरूम है, जो बाथरूम आपको दिखा वो काफी गंदा था। फिलहाल रास्ता तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, एक अनजान इंसान थोड़ी ही देर में, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट टू ऑफ जर्नी फ्रॉम हटिया टू बैंगलोर इन थर्ड एसी इकोनॉमी में। तो फिलहाल अभी ये पार्ट टू है। पार्ट वन में जैसा कि आपने देखा था कि हमारा थर्ड क्लास इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से है, क्या क्या चीजें उसमें दी गई है, एक शॉर्ट टूर आपने उसका वहाँ देखा था। और फिलहाल अभी बोबिली जंक्शन हम लोगों ने क्रॉस किया है, सुबह के बज रहे हैं 9 और फिलहाल सारे लोग जो हैं वो उठ चुके हैं और हम काफ़ी पहले उठ गए थे लेकिन लाइटिंग वगैरह कुछ थी नहीं, इसलिए वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं रहे, दिखता नहीं कुछ। तो फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, बोबिली जंक्शन हम लोगों ने क्रॉस किया है लगभग 15-20 मिनट पहले, सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल अब समय हो चुका है नाश्ते का। तो देखते हैं अभी नाश्ता क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें मिलने वाली है। अभी तो पानी का एक बॉटल फिलहाल खरीदे हैं और उसके बाद देखते हैं नाश्ते में क्या है, उसके बाद वो सारी चीजें जो है आपसे शेयर करेंगे। जर्नी वीडियो में बने रहिएगा। गाइस फिलहाल हम लोग पहुंचे विशाखापट्टनम। जो ट्रेन है वो लगभग 2 घंटे 36 मिनट लेट चल रही है। अभी ठंडी है, फॉग वगैरह है काफ़ी, तो स्पीड जो है वो काफ़ी धीरे है, उसके कारण जो है वो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है ट्रेन। फिलहाल विशाखापट्टनम में पहुंचे हैं, 11:26 हो रहा है। और बेसिकली सुबह का जो नाश्ता था वो ब्रेड और कटलेट करने के बाद जो है हम फिर सो ही गए, क्योंकि अब इसमें एक और दिक्कत जो देखने को मिली ये वाली सीट में है ना, वो ये है कि इसमें बेसिकली ना बीच वाला ना ही सबसे नीचे वाला, और ऊपर वाले को भी थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, समझ लीजिए कि वो बीच वाला और नीचे वाला जो है बैठ नहीं पाएगा, मतलब अगर सीट खुली हुई है तो बीच वाली, तो वो एक दिक्कत है। स्पेस जो है वो थोड़ा सा, हाइट जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आप या तो सिर्फ लेट ही सकते हैं या तो सिर्फ लेट ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। उससे ऊपर वाली जो सीट है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप बैठ सकते हैं, लेकिन बीच वाले और नीचे में, तो अगर बीच वाली सीट खुली है तो आप नीचे में नहीं बैठ सकते। तो ये कुछ फिलहाल सीन है, आप देख सकते हैं ये विशाखापट्टनम जो स्टेशन है वो यहाँ है और ट्रेन जो है वो लगभग 20 मिनट जो है यहाँ पे रुकने वाली है, तो इंतज़ार करते हैं फिलहाल और उसके बाद फिर निकलेंगे। मतलब थोड़ा जो ट्रेन है काफ़ी स्टेशन पे थोड़ी थोड़ी देर तक 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रुक रही है और उसके बाद जो है गाड़ी चल रही है आगे, लेकिन फिलहाल इस स्टेशन पर जो है गाड़ी वो थोड़ी ज़्यादा देर तक के लिए रुकी है, तो सारे लोग जो है वो उतरे हुए फिलहाल और उतर कर जो है चीजें जो है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन, और विजयवाड़ा जंक्शन एक्चुअली ये ट्रेन पहुंचने वाली थी लगभग, टाइमिंग है इसका 3 बजे तक, लेकिन फिलहाल जो ट्रेन है वो 4 घंटे लेट चल रही है, 3 घंटे 45 मिनट लेट चल रही है। तो फिलहाल शाम का जो है, शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी, विजयवाड़ा जंक्शन पहुंची है, तो दोपहर का जो लंच था वो यहीं से लेना पड़ा। हम सोचे थे दोपहर में जो है वो लंच जो है वो विजयवाड़ा से ले लेंगे, लेकिन दोपहर को पहुंची नहीं ट्रेन, तो फिर वही IRCTC का जो यहाँ हमारा जो पैंट्री कार्ट है उसमें से ही जो वेज थाली था वो लिए थे, वो ओके ओके टाइप से था, उतना कुछ खास नहीं था। तो वहाँ लंच करने के बाद अभी जो है वो ट्रेन जाकर रुकी है विजयवाड़ा जंक्शन में 6:30 बजे, तो अभी जाकर डिनर जो है वो अपना लिए हैं। डिनर में एक क्या बोलते हैं, एक बिरयानी लिए हैं और साथ ही साथ एक समोसा और 2 आलू चॉप लिए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, एग है, एक बिरयानी है, मतलब यहाँ पे डिनर का सारा आइटम जो है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि पता कि ट्रेन आने वाली है तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रेडी है पहले से ही। 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, 10-15 मिनट का, उसके बाद जो ट्रेन है यहाँ से फिर निकल जाएगी। तो फटाफट सारी चीज़ें ले लिए हैं और उसके बाद फिर चलते हैं
और यहाँ साफ सफाई जो है वो चल रही है। बेसिकली जो बाथरूम है, जो बाथरूम आपको दिखा वो काफी गंदा था, कहीं कहीं तो पानी भी नहीं आ रहा था। वही हम सोच रहे थे कहीं किसी स्टेशन पे उतर के लोग साफ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी विजयवाड़ा जंक्शन पे थोड़ी बहुत साफ सफाई हुई। अब अंदर का तो नहीं पता कैसा है, क्या है, साफ सफाई कैसे चल रही है, लेकिन बाहर जो है फ्लोर वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत अभी साफ की गई है। ये आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है सारे लोग, जैसे ट्रेन उतरी थी सारे लोग जो है अपने अपने बोगी से उतरे और उधर का सारे लोगों ने अपना अपना डिनर जो है वो ले लिया और बाकी सब चीजें तो ठीक है। हाँ, एक और चीज, वॉशरूम जो है वो सच में भाई गड़बड़ है, साफ सफाई की जरूरत है उसमें, अच्छा खासा पानी वानी भी नहीं थी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, बाकी देखते हैं क्या क्या चीजें और होती है सफर में, सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। और जाने से पहले एक बार और शॉर्ट टूर आपको अपना जो बोगी है उसका दे देंगे और दो चार चीजें हैं जो आपको बतानी है उसमें, मतलब स्टार्टिंग में वीडियो में एक आध चीज जो है वो छूट गई थी, तो वो छोटी बड़ी चीजें हैं तो वो सब आपको बताएंगे पार्ट टू में, तो बने रहिएगा वीडियो में। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, कब पहुंचते हैं, सारी चीजें जो है आपसे शेयर करेंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं SMET रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 5 है शायद, बाहर जाकर देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं और एक बार फिर लास्ट में आपको दिखा दे तो ये बीच वाली जो सीट है ये मेरी थी और ये रहा बैग और दूसरा बैग वहां पे है। और जर्नी काफ़ी अच्छी थी, सही था। फिर कुछ चीज़ें एक बार फिर से आपको दिखा दे कि यहाँ पे जो लाइट वगैरह है, ये सारा जो स्टडी लैम्प है, आपको लाइट जो है वो दिया गया, आपको हर एक सीट के लिए, लोअर मिडिल और अपर सबके लिए दिया गया है और बॉटल होल्डर सबके लिए है। और साथ में यहाँ पे आपको सॉकेट और स्विच वगैरह दिया गया है। अच्छा हाँ, ये जो आपका एक पूरा सेक्शन है ऊपर से नीचे तक, इसमें सिर्फ एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे दिया गया, इंडिविजुअली सबके लिए नहीं दिया गया, जो कि गलती से हम अपने फर्स्ट वीडियो में बोले थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था इसलिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया गया, सबको दिया गया है। और इस तरफ आप सीट देखिएगा तो इसमें भी यहाँ पे आपको सॉकेट दिया गया है और लाइट दिया गया है, साथ में ऊपर में भी, और मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया गया है। तो और सीट्स के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत जो सीट्स है वो थोड़ा मतलब उसका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो थोड़ी पतली है कंपैरेटिवली, इसीलिए यही कारण है कि ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इकॉनमी, थर्ड AC इकॉनमी में ज़्यादा सीट्स हैं, लगभग 83 सीट्स हैं। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम SMET स्टेशन के बाहर, ये रहा हमारा स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे यहाँ पे आई थी ट्रेन और जैसे फिर ब्रिज क्रॉस करके बाहर आए हैं। वीडियो अपलोड किए थे तो जिसमें हम, करण और दिव्यांशु आए थे SMET रेलवे स्टेशन। दिव्यांशु को कुछ काम था तत्काल वगैरह, टिकट के बारे में पता करना था, तो उसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो एक फ़ायदा यही हुआ कि स्टेशन पहले से घुमा हुआ है तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत पहले से जानकारी थी स्टेशन के बारे में, तो आराम से बाहर निकल कर चले आए। तो ये फ़ायदा होता है पहले से कोई चीज़, अगर आप घूमे हुए थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है, तो ये हो गया। अब जर्नी के बारे में बात करें तो हम जर्नी शुरू किए थे हटिया से और SMET रेलवे स्टेशन पर आकर जर्नी ख़त्म हुई है। ट्रेन जो है हमारी हटिया SMET एक्सप्रेस थी और वो फ़िलहाल 3 घंटे 40 मिनट या लगभग 4 घंटे समझ लो लेट थी। कोई ना, रात में 3 बजे उतारे, उससे अच्छा सुबह में 6:30 बजे उतार देगी, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये था सीन और फिलहाल अभी जाएंगे बाहर, बाहर जाकर रैपिडो करते हैं, उसके बाद अपने रूम में पहुंचते हैं, अपने PG में पहुंचते हैं। और आपसे हाँ लास्ट में शेयर करना है वीडियो में कि हम क्या सीखे इस जर्नी से, ये जर्नी से एक्चुअली हमको सीखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिले। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, बहुत डीप है और अच्छा लगा इस जर्नी में मेरे को, तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अभी फटाफट हम बुक करते हैं अपना रैपिडो, पहुंचते हैं अपने PG और आपको वो सारी चीज़ें जो है शेयर करते हैं। देखो, आपको शॉर्टकट पता होने का एक फ़ायदा होता है, जैसे हमको जाना है उस तरफ राइट, तो हम इधर से घूम के जा सकते हैं जो कि अंकल बता रहे हैं मेरे को, और इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन वो सब वो स्टेशन के लिए बता रहे हैं उस तरफ से जाएगा, लेकिन हमको उधर जाना है तो शॉर्टकट पता होने का यही फ़ायदा होता है कि आप, मुश्किल होगी थोड़ी बात लेकिन ना इन पटरियों से होकर निकल सकते हैं। आए थे पिछले बार घूमने के लिए, थोड़ा शॉर्टकट वॉर्टकट जो है वो सब पता चल गया है। अभी फिलहाल रास्ता तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि एक ही बार आए हैं, बस अंदाजे से चल रहे हैं कि हमको याद है पीछे एक पेट्रोल पंप था,
वहाँ से हम लोग कुछ स्ट्रेट शायद गए थे तो बाहर निकल गए थे। हाँ हाँ शायद सही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद सही जा रहे हैं। एक ही बार आए थे, इन अंदाजे से जो चीज़ें आए थे घूमे थे उसको याद करके वही रास्ते पे चल रहे हैं, शायद सही जगह निकल जाएं। यहाँ से ऑटो नहीं मिलने वाली, ना ही बाइक मिलने वाला, क्योंकि ये रास्ता नहीं है आने के लिए। कुछ बहुत कम लोग आ रहे हैं, रास्ता ही नहीं है आने के लिए, ये सब जाने वाला रास्ता है। तो दोस्तों ये सामने रहा अयप्पा टेम्पल, और इधर से एक रास्ता जाता है, इस तरफ से सीधे जाएंगे तो पाइनियर की तरफ चला जाएगा। पाइनियर से फिर लेफ्ट लेंगे तो हम लोग अपने फीजी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो फाइनली जो है वो राइड मिल चुकी है। अभी 10 मिनट दिमाग लगाने के बाद कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है राइड। फाइनली एक राइड मिली है और ये सामने हमारा है पाइनियर कॉप्स ट्रेनिंग सेंटर, और उस तरफ से ऑटो आने वाली है, उस तरफ से ऑटो आने वाली है। अयप्पा टेम्पल पे भी बुक करते तो मिल जाता, मेरे को यहाँ आने को उतना ज़रूरत नहीं था, क्या 2-4 रुपये कम होंगे और क्या। तो यहाँ से डायरेक्ट सीधा अगर हम लोग जाएंगे, सीधा जाएंगे पाइनियर कॉप्स ट्रेनिंग सेंटर से सीधा अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ निकल जाएंगे अपने CMR यूनिवर्सिटी, और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा जो MNMPG जो है वो आ जाएगा। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने PG। ये रहा अपना रूम, सामान रखा हुआ है, ये मेरा बेड, ये करण का बेड। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि इस जर्नी में हमको क्या सीखने को मिला, क्या हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो बेसिकली ये सफ़र जो है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा इन द सेंस कि अच्छे अच्छे लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, और अकेले सबसे पहली बात हम फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र जो है वो ट्रेन में किए। और देखो जब शुरू में हम ट्रेन में जब आए तो हमको ऐसा लगा कि भाई कैसे सफ़र गुजरेगा, लगभग 36 से 40 घंटा हो गया, तो मतलब लगभग 40 घंटे का सफ़र हुआ मेरा, तो ये सब समय कैसे निकलेगा, बोर हो जाएंगे सो कर कैसे वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे हम आए उसी समय हमको एक भैया मिल गया सामने बैठे हुए थे, जो कि मेरा बीच वाला सीट था, बर्थ था उसके ऊपर वाले बर्थ के बगल में वो थे, फिर मेरे बर्थ के ऊपर में जो भैया थे ऊपर वाले, उनके बगल वाले, वो सब काफ़ी अच्छे थे। उनसे सबसे पहली मुलाकात में उनसे बातचीत शुरू हुई, काफ़ी अच्छे थे। और फिर बगल में साइड लोअर सीट्स में दो दीदी थी, वो भी रांची से ही, वो लोग भी चढ़े थे, उड़ीसा से थी, रहती रांची में थी, तो वो मिली। मेरे सीट के यानी जो मेरा जो सेक्शन था एक तरीके से विदाउट कह लो कि इनकेव्ड, जो मेरा केबिन टाइप से हम लोग का था, उसके बगल वाला जो पार्टीशन था उसमें भी एक दीदी मिली, वो भी रांची से ही थी। तो काफ़ी लोग जो है आसपास मिले, बहुत अच्छे थे। और जो चीज़ एक सीखने को मिली वो ये है कि मतलब ऐसे हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं, बट हमको जो देखने को मिला वो ये मिला कि मतलब जो लोग जो है ना थोड़े से निचले वर्ग के हो या फिर थोड़ा मतलब एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास टाइप से लो हो या उससे थोड़ा नीचे हो, मतलब काफ़ी मतलब हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाते हैं कैसे होता है कि उन लोगों से मिले, कुछ भैया से मिले, दीदी से मिले, मतलब हम लोग के लोकेलिटी, मतलब हम लोग की तरफ से जो आए थे, मतलब जो हम लोग जैसे आदिवासी क्रिश्चियंस ये लोग जो थे हम लोग की तरफ के झारखंड में थे, वो वही लोग थे, दीदी और वो लोग जो थी वो वही लोग थी, क्रिश्चियंस थी, कोई आदिवासी था, तो ऐसे लोग थे। उड़ीसा से एक दीदी थी वो थी, और भैया लोग थे, तो वो कोई ज़्यादा हाईफाई ऐसा कुछ नहीं थे, मतलब तो उन लोगों से मिलके लगा कि मतलब कितने हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट जो होता है वो भी सब करने को तैयार होते हैं, कैसे मतलब एक सफ़र को अच्छा आप बना सकते हैं, वो उनसे सीखने को मिला कि मतलब इंसान सिर्फ सफ़र में अगर जा रहा तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, ये सोचे कि हम अगर लंबा सफ़र में जा रहे हैं तो सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से जाए। मतलब सबसे एक दूसरे से हम लोग बातचीत कर रहे थे, है ना, कहाँ क्या स्टेशन पहुँचा हम लोग के जगह की, मतलब हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और क्या क्या हम लोग मतलब, और बहुत सारी चीज़ें थ्रू आउट रूट के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में बात हुई, कुछ शेयर किए, और मतलब ऐसा लगा छोटा छोटा जो ये होता है ना, मतलब एडजस्टमेंट होता, आप यहाँ बैठ जाइए, अच्छा हम यहाँ चले जाते थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि अब सारे सीट्स लगे हुए, बीच वाले खुल गए हैं, तो अब ना कोई नीचे बैठ सकता, ना कोई बीच में, ना ऊपर, हम कैसे बैठ के खाए हैं मुश्किल से झुक के, वो हम ही जानते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए सब तैयार है, मतलब एक एक सीट पे दो दो तीन तीन लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करके बैठ रहा है कि किसी का कमर ना अटके, अकड़े, किसी को अच्छा लगे, सब मिलजुल के बातचीत कर रहा है। और वही हम लोग जैसे लोग जो होते हैं जो थोड़ा मिडिल क्लास हो गए, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास जो कहते हैं, जो थोड़ा सोचते हैं कि ज्यादा हम लोग थोड़ा पढ़ लिए हैं, ज्यादा थोड़ा पैसे आ गए हमारे पास, हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मतलब हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, हम लोग पैसे देकर आए हैं तो हम लोग अपनी जगह पे रहेंगे, मेरा कोई सीट में बैठेगा नहीं, या चलो थोड़ा बैठ भी गया तो ज्यादा मतलब चलना मेरा चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे वजह से भले थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए दूसरे को लेकिन हमको दिक्कत नहीं हो जाए, ऐसा मेंटालिटी हम रखते हैं कि हाँ ये लोग छोटे लोग हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग के पास ये है वो है, हम लोग अपर मिडिल क्लास है। तो ये सब बकवास चीज है, हमको अभी भी याद है, ये सारी चीजें हमको अभी याद आ रही। इस मामले में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने पापा को कि अपब्रिंगिंग हमारा जो परवरिश है उन्होंने ऐसा किया है कि वो हमेशा हमें बोला करते थे, अभी भी हमको वो याद है कि पापा हमेशा बोलते थे कि अपने से निचले वर्ग के जो भी लोग हैं उनसे बहुत प्यार से पेश आओ, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा मानेंगे तुमको, बहुत ज्यादा इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उनको इज्जत दो, सम्मान दो, अपने उम्र के लोगों को, अपने से नीचे के लोगों को, सबको अच्छे से ट्रीट करो, सबसे बढ़िया से सबको ट्रीट करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हमको सीखने को मिली और ये बहुत काम आया मेरे को, मतलब हमारे सफर में लगभग हर एक इंसान जो आसपास में था सब मेरा दोस्त बन ही गया, मतलब सबसे बातचीत होने लगी। इनफैक्ट जो भैया हैं वो हमको फिर थोड़ी बहुत बात हुई, फिर बैठे हुए थे सुबह में हम लोग, तो वो मेरे को बोलने लगे कि चाय पीजिएगा। तो मतलब एक अनजान इंसान थोड़ी ही देर में इतना मतलब इतना मानने लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऑल इन ऑल जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, थकान तो उतनी खास लग नहीं रही, तो कोशिश करेंगे कि जाएँ कॉलेज। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि नए नए अपडेट्स और अच्छे अच्छे फोटोज कभी कभी हम खिंचवा लेते हैं तो वो भी वहीं पर अपलोड कर देते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।